आरजेएस की 133वीं बैठक आज संपन्न हुई और जो गढ़वाल के खाने को और उत्तराखंडी खाने को लेकर हम यहां पर एक मुहिम छेड़े हुए हैं, उसी पर हम यहां के पत्रकारों से जानते हैं। सर, आप काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कैसा लगा आज का भोजन? ये पहाड़ी व्यंजन हमारी मूल संस्कृति से जुड़ा है और ये आज की पाश्चात्य संस्कृति के आगे जो है हम इसको भूल गए हैं, इसको बरकरार रखना चाहिए जिससे हम अपने आने वाली जनरेशन को भी बता सके कि हमारे पहाड़ में झिंगोरा, कोदा और जो इस तरह के व्यंजन है, कटाली है, ये है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भूल जाएगी कि हमारे पहाड़ों में क्या होगा, क्योंकि अधिकांशतः युवा वर्ग आज पहाड़ से पलायन कर चुका है, उनको वापस लाने के लिए और उनको इस धंधे में लगाने के लिए ये सबसे उपयोगी डिश है। सर, हमारे साथ एक युवा भाई भी हैं जो कि शायद अक्सर हफ्ते में महीने में कितनी बार खाते हैं गढ़वाली फूड का, खाते भी हैं कि नहीं खाते? सर सर बताना है, घर पे तो ज्यादातर खाता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ खुद गढ़वाली है। अच्छा, अच्छा। गढ़वाली डिशेस बनाती है काफी। अच्छा, और मुझे खुद पसंद है गढ़वाली पसंद। हाँ। है सर, कैसा लगा सर आपको खाना? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी उत्तराखंडी व्यंजन है, बहुत टेस्टी और पौष्टिक है, कह सकते हैं कि ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। चलिए, हमारे साथ एक महिला पत्रकार मैम, आपका नाम सर विनीता है, राइट? मैं जानना चाहूंगा कैसा लगा, आपने बोला तीन चार ज्यादा खा लिया आपने। मैं रियल बताऊं, मैं 20 साल से पत्रकारिता में हूं और ऋषिकेश में, क्योंकि ज्यादातर पत्रकारों का काम होता है दिन का खाना बाहर ही होता है, कई बार तो रात के खाने भी बाहर होते हैं, और तरह तरह का खाना मैंने खाया है 20 सालों में इनमें जब से पत्रकारिता कर रही हूं, लेकिन आज का जो खाना था माइंड ब्लोइंग, बहुत फेवरेट है। गढ़वाल का जो खाना है बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा फ्लेवर है, और सबसे बड़ी बात है काफली, मैं 3 कटोरी खा चुकी हूँ, कहते हैं बहुत गर्म होती है और लहसुन का तड़का लग के ये बहुत ही गजब हो जाती है, और जो पकौड़ियाँ हैं दाल की जो हमारे यहाँ अक्सर त्योहारों में बनती है गढ़वाल में, और उसका भी लाजवाब, मतलब फ्लेवर अनलिमिटेड। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, कहा जाता है कि जर्नलिस्ट की आवाज 100-200 आदमियों तक जाती है, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा वाइड लेवल तक वो पहुँचती है आवाज। आप एक महिला है, गढ़वाली खाने को अगर प्रमोट ज्यादा से ज्यादा करना है तो शायद महिलाओं को आगे आना होगा, तो क्या आप आज से एक मुहिम खुद छेड़ रही हैं कि हर महिला से जिससे भी मिलेंगे उससे कहेंगे कि गढ़वाली खाने को आगे से ज्यादा से ज्यादा आगे लेके जाएं? बिल्कुल नहीं, मैं हर उत्तराखंड से तो कहूंगी, क्योंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरा एक ज्वाइंट फैमिली है और हमारे यहाँ बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे गढ़वाली फूड ही बनता है, कई बार खिचवाणी बनती है, गैत बनती है, तोर बनती है हमारे यहाँ त्योहारों पर, और क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मेरी शादी लेकिन गढ़वाली परिवार में हुई है, मैंने वहीं से गढ़वाली खाना सीखा, बनाना सीखा, और उसका कोई मुकाबला नहीं है, बहुत पौष्टिक होता है, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, और मैं तो हर किसी से कहूंगी उत्तराखंड को पहचान दीजिए, यहाँ के खाने को पहचान दीजिए, और ये हमारी ये गढ़वाल की नई पहचान है, ये यहाँ के रहने वाले लोगों की भी पहचान है। चलिए मैम, थैंक यू, आपने इतना कीमती समय दिया। सकते हैं कि आरजेएस की जो 133वीं सकारात्मक बैठक ऋषिकेश में डिवाइन होटल में विजय सिंह वशिष्ठ विष्ट जी की अगुवाई में हुई है, ये आयोजक है और यहाँ पे हम लोग डिवाइन होटल में भोजन कर रहे हैं, जहाँ गढ़वाली भोजन का स्वाद ले रहे हैं। मंडुआ की रोटी आपके सामने है, खा रहा हूँ। सर कैसा, मैं थोड़ा अंत पे आ रहा हूँ, 7 दिन का आप निचोड़ क्या बताना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कम से कम देसी खाने में स्वाद ही नहीं, प्रखर स्वाद ही नहीं, सेहत भी होती है। हमारी सेहत का राज है देसी व्यंजन, जिस भी देसी मतलब भारत, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड का ये हम लोग खा रहे हैं, ये दाल भी देसी है। ये जो चावल है इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो चावल है, लाल चावल है ना, इसमें ये तो धान जो होता है ये बिना किसी पानी के हो जाता है, कम पानी में ये हो जाता है, और इसकी फायदा जो है विजय भाई जो आयोजक थे उन्होंने बताया कि इसको खाने से गठिया और वाय रोग में आराम मिलता है। इस तरह का चीजें हैं, आप देखिए उत्तराखंड के ये सारे व्यंजन हम लोग स्वाद ले रहे हैं, है ना, इसी तरह से अलग अलग जगहों पे उत्तराखंड के व्यंजनों को हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी अपनी जानकारी बढ़ाई, 25 राज्यों की फैमिली और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया तक ये जानकारी हम लोग पहुंचा रहे हैं, और आप लोगों ने भी इस यात्रा में आरजेएस संयोजक उदय कुमार मन्ना जी के साथ जो है
और पंकज अग्रवाल जी की अगुवाई में ये सारी देश के लिए राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम करते हुए प्रखर वार्षणे जी, आरजेएस स्टार राजेंद्र सिंह यादव और आरजेएस स्टार प्रांजल श्रीवास्तव, ये सारा देश का जो मुहिम है ये सकारात्मक बैठकों और सकारात्मक पत्रकारिता से भारत निर्माण, और इसमें हम लोगों ने अपने महापुरुषों को याद किया, और जो 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस के आरजेएस प्रोग्राम में राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम में जितने लोगों को उनके नाम पे अवार्ड दिया गया था अपने परिवारों को, उनका भी बैनर आपने देखा कि उनको उन आत्माओं का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे, हम लोग साथ यहाँ रहे पूरे दिन 7 दिन उन आत्माओं का। प्रांजल, क्या कम शब्दों में क्या बताना चाहेंगे? भोजन बहुत टेस्टी है और ये गढ़वाली भोजन है, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हम इसी वातावरण में और यहाँ डिवाइन होटल में यहाँ पे हैं और हम ये भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और उत्तराखंड के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको गढ़वाली भोजन के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे आगे की जो जो हिस्ट्री है वो मेंटेन बना रहे। राजेंद्र जी, अंतिम शब्दों में कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के पूरे दौरे में? चाहेंगे हर जगह की जहाँ भी हम लोग गए हैं सब जगह की अपनी अपनी चीज फेमस होती है। आज हम यहाँ पे उत्तराखंडी भोजन का आनंद ले रहे हैं जिसमें लाल चावल है, खीर है, और ये खीर हमारे यहाँ जिसको सावा बोलते हैं उसको यहाँ कुछ और बोलकर उसकी खीर बनाई, वो बहुत ही टेस्टी खीर है। सारा व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट और हाइजेनिक है, अच्छी चीज है, और हम सभी लोग यही चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलेंगे कि भाई अपने इस उत्तराखंडी भोजन को ज्यादा से ज्यादा। प्रांजल जी, मैं चाहूंगा कैमरा हैंडल करें, मेरे को अंतिम कुछ शब्द कहने हैं और मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु और आयोजक उदय कुमार मन्ना सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि इतिहास में मैं भी अपना नाम दर्ज करा सकूं, क्योंकि शायद हम लोग और पंकज अग्रवाल जी इतिहास लिख रहे हैं उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के उस इतिहास में शायद मेरा भी नाम दर्ज होने जा रहा है। वो सब आपकी और वो 25 राज्य के पत्रकार जो पत्रकार देख रहे हैं और जो देखते हैं और जिनकी सहायता से हम लोग जिनकी सहायता से मेरा चयन हुआ, उन सबको मैं तहे दिल से अपनी तरफ से और आरजेएस पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से हमें एक अद्भुत 7 दिन का दौरा नसीब हुआ। ये दौरा नहीं मेरे लिए, मेरे लिए एक कोर्स है जो कोर्स मेरे को काफी चीजें सिखा के चला गया। इसके लिए सर मैं जो पुस्तक आएगी उसके लिए आरजेएस की जो पुस्तक आएगी उसके लिए भी मैं सबको बधाई देना चाहूंगा और सबको बताना चाहूंगा कि कैसे वो आरजेएस की पुस्तक में शामिल हो सकते हैं, वो सर गाइड करेंगे सर। और उत्तराखंड के खाने के लिए, उत्तराखंड के दौरे के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने खाने को प्रमोट करें, अपनी चीजों को प्रमोट करें, जिससे भी आपका उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ बन जाए। धन्यवाद।